जीम और मीम जीम और मीम पोम उर्दू आप पूछते हैं गोरा जूते मारता क्यों है और हम जूते खाते क्यों हैं आप पूछते हैं कि गोरा जूते मारता क्यों है और हम जूते खाते क्यों हैं बहुत छोटा सा फर्क है बहुत छोटा सा फर्क है जीम और मीम का बहुत छोटा सा फर्क है जीम और मीम का वह जानता है वह जानता है और हम मानते हैं वह जानता है हम मानते हैं वह इल्म का शायदाई है वह इल्म का शायदाई है हम अकीदे के वह सवाल करता है खुद से हकीकत से वह सवाल करता है खुद से, से।, से हकीकत से हम जवाब मांगते हैं हम जवाब मांगते हैं औरों से रिवायत से हम जवाब मांगते हैं औरों से रिवायत से उसकी शम राह फितरत है उसकी शम राह फितरत है हमारी शरीयत उसकी शमरा राह है हमारी शरीयत, उसे तलाश फलसफ़ी की है उसे तलाश फलसफ़ी की है इस मौक़े पर मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़लसफ़ा जो है वो हर किस्म की नॉलेज हर किस्म के इल्म हर किस्म की साइंस की माँ है क्योंकि फलसफे से ही सारे उलूम निकले हैं तो उसे तलाश फलसफी की है हमें मुफ्ती की उसे तलाश फलसफी की है हमें मुफ्ती की उसे उसे शक से मोहब्बत है उसे शक से मोहब्बत है यानी डाउट से जो चीज मुझे बताई गई है वो सही है या नहीं है जो चीज मैं समझता हूं वो चीज सही है या नहीं है तो उसे शक से मोहब्बत है हमें बैर उसे शक से मोहब्बत है हमें बैर इर्तदाद इर्तदाद मतलब फॉल्सिफिकेशन कोई भी चीज अगर मौजूद है तो कोई भी चीज अगर बताई जा रही है हमको तो वो वाकई मौजूद है या नहीं ये हमें फॉल्सिफिकेशन से ही पता चल सकता है जब हम किसी चीज़ को फॉल्सफ़ाई करने की कोशिश करते हैं जब हमें पता चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कन्फर्मेशन बायस की वजह से उसे सही और सच समझते रहे हों तो इर्तदाद या फालसफ़िकेशन किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक टच स्टोन है उसके बिना हम नहीं पता लगा सकते कि कोई चीज़ सच है या नहीं है उसको सिर्फ हम मानते हैं या वो उसका वाकई कोई वजूद है तो इर्तदाद उसका उस्ताद है इर्तदाद उसका उस्ताद है हमारा दुश्मन इर्तदाद उसका उस्ताद है हमारा दुश्मन टिपिकली हम फॉल्सिफ़िकेशन को बहुत बुरा मानते हैं टिपिकली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चीज़ हमें बताई गई है उसको हम हाँ कहें और ये कि जो चीज़ हम अपने छोटों को बता रहे हैं उस पर वो आंखें मूंद के हाँ कह दें उसका अगर इतदाद किया जाता है उसको अगर फॉल्सिफाई करने की कोशिश की जाती है तो हमारे बड़े हमसे गु़स्सा होते थे और हम अपने छोटों से गु़स्सा होते हैं तो आ, बल्कि ये लफ्ज मुर्तद इर्तदाद इतना बुरा लफ्ज माना जाता है उर्दू में मुर्तद इतना बुरा शख्स माना जाता है हालांकि हक सच्चाई तक सिर्फ मुर्तद ही पहुंच सकता है बाकी तो सब जी हुजूर होते हैं तो इर्तदाद उसका उस्ताद है हमारा दुश्मन वह वह बात समझता है वह बात समझता है हम सिर्फ लात हम सिर्फ लात यह भी एक हतमी एक हकीकत है कि हम लोग ये कहते हैं कि नहीं 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 फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बड़ी गलत चीज है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए हम लोगों का यही कहना होता है हालांकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच के बगैर आप हक तक नहीं पहुंच सकते सच तक पहुंचने के लिए हक तक पहुंचने तक के लिए रियलिटी तक पहुंचने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरूर ज़रूरी है एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है वो है एक्चुअली फ्रीडम ऑफ परसुंस ऑफ ट्रूथ फ्रीडम ऑफ परसुंस ऑफ ट्रूथ और इसके लिए उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है जहाँ कोई कुछ कहने की कोशिश करता है और हमें वो पसंद नहीं आता हम जाके उसको लात मारते हैं और जब हम पे लात पड़ती है तो फिर चुप होकर बैठ जाते हैं या दूसरे किस्म की गड़बड़ करने लगते हैं तो हम बात को नहीं समझते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं हम सिर्फ जूते समझते हैं इसलिए हमें जूते मारे जाते हैं क्योंकि हम और कुछ समझते ही नहीं तो वह बात समझता है हम सिर्फ लात वह वाकई मशवरा करता है वह वाकई मशवरा करता है हम सिर्फ उसका ढोंग ये बात मैंने क्यों कही इसलिए कि हमारे मशवरों में तो फंडामेंटल क्वेश्चंस पे आ, कभी गौर होता ही नहीं है हम किसी भी फंडामेंटल इशू पे फंडामेंटल प्रजाम्पन के ऊपर कोई सवाल उठा दें तो हमसे यह कहा जाता है कि नहीं 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 सवाल नहीं करना चाहिए अकल नहीं लगानी चाहिए बस ये दायरा है इस दायरे के अंदर रहो जबकि ज़िंदगी जबकि हकीकत तो सब कुछ है उस दायरे के बाहर भी हकीकत है उस दायरे के अंदर भी हकीकत है एटलीस्ट हम जो मानते हैं उस हद तक की हकीकत है तो मशवरा करना मतलब एवरी थिंग मस्ट बी क्वेश्चनड हर चीज़ पर सवाल उठाना ज़रूरी है वरना उसे मशवरा नहीं कहा जा सकता उसे डिस्कशन नहीं कहा जा सकता उसे सिर्फ उसका ढोंग कहा जा सकता है तो वह वाकई मशवरा करता है हम सिर्फ उसका ढोंग वह गलती से सीखता है वह गलती से सीखता है हम उससे डरते हैं वह गलती से सीखता है हम उससे डरते हैं आप ये देखें कि मगरबी तहजीब में गलती करने को बाय एंड लार्ज बुरा नहीं माना जाता मैं जब अपने दफ्तर में अपने काम के सिलसिले से कोई गलती कर देता था तो कोई मुझे आके जूते नहीं मारता था मुझसे आके कहा जाता था कि देखो ये गलती हो गई है तुम तो उसको रियलाइज करते हो या नहीं अगर मैं नहीं रियलाइज करता था तो मुझे कन्विंस किया जाता था कि मैंने गलती की है और उसके बाद आमतौर पर मुझे सजा नहीं दी जाती थी अगर वह गलती एक बार की है या इवन दूसरी बार की है तो सजा नहीं मिलती थी हाँ अगर मैं वही गलती बार बार कर किए जाऊं तो शायद सजा का जवाब बनता था और मिलती थी सजा लेकिन उम्मीद यह की जाती थी कि आप हर दफा नई गलती करो यानी गलती से सीखो गलती से बड़ा तो आपका कोई दोस्त नहीं गलती से बड़ा तो आपका कोई उस्ताद नहीं क्योंकि वही तो आपको अगली पायदान पर पहुंचाती है अक्ल की इल्म की समझने की अंडरस्टैंडिंग की तो वह गलती से सीखता है हम उससे डरते हैं वह ढेर किताबें पढ़ खुद को लाइल्म जानता है वह ढेर किताबें पढ़ खुद को लाइल जानता है हम हम एक किताब को रट हम एक किताब को रट खुद को आलिम मानते हैं वह अपने जहन को वह अपने जहन को सहन में धूप दिखाता है वो अपने जहन को सहन में धूप दिखाता है हम अपने जहनों को हम अपने जहनों को कोठरी में बंद कर कोठरी में बंद कर चाबी फेंक आते हैं वो मकतब बनाता है वो मकतब बनाता है हम जलाते हैं वह मकतब बनाता है हम जलाते हैं ये मैंने क्यों कहा यूसुफ़ ज़ई उसकी कहानी से हम सब वाकिफ हैं जब उसके शहर में लड़कियों के मदर से तालिबान जला रहे थे तो उसने कहा कि नहीं ये गलत बात है छोटी सी बच्ची उसके जवाब में तालिबान ने उसको गोली मार दी उसके सर पे गोली मार दी और उसके बाद ये कहा कि अगर ये बच गई तो हम इसको फिर कोशिश करेंगे मारने की यानी ये कि लड़कियों के स्कूल जलाना बहुत अच्छी बात है तो वो मकतब बनाता है हम जलाते हैं उसकी औरतें उसकी औरतें उसकी, औरते, उसकी उस्तानिया हैं हमारी औरतें मस्तूरात उसकी औरतें उस्तानिया हैं हमारी औरतें मस्तूरात मगरबी तहजीब में औरतों का बॉस होना औरतों से सीखना बुरा नहीं माना जाता हमारे यहाँ तो औरत को सिर्फ एक चीज माना जाता है सिर्फ एक चीज और आपको मालूम है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ उसकी बुनियाद उसकी बुनियाद हकायक हैं उसकी बुनियाद हकायक हैं हमारी कहानियाँ उसकी बुनियाद हकायक हैं हमारी कहानियाँ मगरबी तहजीब में आसपास देखा जाता है ये आसपास जो हो रहा है सो क्यों हो रहा है उसको समझने की कोशिश की जाती है हकायक पर गौर किया जाता है हमको जो हमारे बड़ों ने कस कहानी सुना दिए कि भाई ऐसा ही था यही हुआ था हम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं और फिर अपने जैसे दूसरों से झगड़ा करने लगते हैं कि नहीं तुम्हारी कहानी गलत है हमारी सही सबूत तो जवाज़ क्या है दलाइल क्या है मंतक क्या है हमारे बड़ों ने हमसे कहा था तो वो यकीनन सही होगा अरे भाई उनके बड़ों ने भी तो उनसे कहा था वो क्यों सही नहीं होगा तो उसकी बुनियाद हकायक हैं हमारी कहानियां वह जमीन से उठ फलक को छूता है वह जमीन से उठ फलक को छूता है हम खुद को हम खुद को आसमान से गिरा गर्दानते हैं वह जमीन से उठ फलक को छूता है हम खुद को फलक से गिरा आसमानों से गिरा गर्दानते हैं वह जमीन से उठ फलक को छूता है हम खुद को आसमानों से गिरा गर्दानते हैं वो इल्म और अकीदे का फर्क जानता है वो इल्म और अकीदे का फर्क जानता है इल्म मतलब नॉलेज अकीदा मतलब बिलीफ या फेथ वह इल्म और अकीदे का फर्क जानता है हम अकीदे को इल्म मानते हैं हम आकीदे को इल्म मानते हैं वह वह जानने को मानता है वह जानने को मानता है ही हैज बिलीफ इन नॉलेज वह जानने को मानता है हम हम मानने को जानते हैं हम मानने को जानते हैं ऑल वी नो इज आवर फेथ आवर बिलीफ वह जानने को मानता है हम मानने को जानते हैं जानना उसका दीन है जानना उसका दीन है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग इज हिज रिलीजन जानना उसका दीन है मानना हमारा ईमान मानना हमारा ईमान वी हैव फेथ ओनली इन बिलीफ जानना उसका दीन है मानना हमारा ईमान फर्क बहुत छोटा सा है फर्क बहुत छोटा सा है सिर्फ जीम और मीम का फर्क बहुत छोटा सा है सिर्फ जीम और मीम का वह जीम से जीता है वह जीम से जीता है हम हम मीम से मरते हैं